हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल लेकर उसके ट्रीटमेंट कराया गया, दवाई दुआ गया और वो उसका गांव में छोड़ने आ गया, खेड़ा खेमावती गांव सफीदों के पास। ठीक है, तो उन्होंने वो बुढ़ा तो गया बच्चे, वो लड़का नीचे उतारा गाड़ी से, घर ले जाकर लड़का मार दिया, जान से मार दिया। क्यों नहीं पूछा भाई, मतलब कसूर की? नहीं, कोई कसूर नहीं पूछा। उसके बाद कार वाला ने इंसानियत दिखाई, वो उठा के उसको बोले भाई मेडिकल लेके गया, दवाई दवाई, और उसको उसके घर पे छोड़ने के लिए चला गया। अगर भाई कोई बात नहीं, तेरे से टक्कर होगी, तू बच गया, परमात्मा अल्लाह भाई गुरु गोड तेरे को भाई जिंदगी बख्शे। रोक घर पे छोड़ने के लिए गया तो घर वालों ने उसी को अंदर रोक के मार दिया। ए टू जेड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। खटखट टोल प्लाजा वे फिलहाल आप पहुंचे, हर अपना पता वे पिछले काफ़ी दिनों तक एक महीना होने हो रहा है, यानी ड्राइवर का आंदोलन जिस तरीके से इसे धरती तो शुरुआत हुई थी किसान आंदोलन की, सरकार ने मानना पड़ा, झुकना पड़ा, जो कानून थे वो वापस करने पड़े। और ई टेंडरन केस मामला में जो सरकार ने एक नया प्रस्ताव पारित कराया है उसने लेकर ड्राइवर में रोष भी है, गुस्सा भी है और भीतर में एक डर हो गया और आज से भी होने लग रहे हैं। यानी जिस तरीका का कानून सरकार लेना चाह रही थी भाई, मान लो कोई आदमी घायल हो जाए, कोई हादसा हो जाए, आप उसने उठा कर उसका घर तक पहुँचाओ, तो बिल्कुल नया नया एक दो इंद्र हैं नरेंद्र बुआना जी, आल ड्राइवर कल्याण संघ जींद के जो प्रधान है, ये बताऊंगे क्या घटना हुई। और 5 तारीख ने यानी 5 फरवरी ने एक बड़ी महापंचायत होगी खटखट टोल प्लाजा पे। तो प्रधान जी राम राम। राम राम जी सोनू जी। दिल तो 5 तारीख का क्या प्लान है जी? सबसे पहले तो जितने भी ए टू जेड हरियाणा देखने वाले को दिल से सलूट है, कोटि कोटि नमन है, प्रणाम करता हूँ सभी को। और 5 तारीख का हमारा एक मतलब महापंचायत, हमारा जो सिस्टम जो भी हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है उसके लिए एक हस्ताक्षर अभियान जो चलाया है उस गूंगी बैरी सरकार को दिखाने के लिए एक भाई एक हस्ताक्षर अभियान है। इसके अंदर हम ज्ञापन सौंपेंगे डीसी साहब को भी और हमारे गृह मंत्री को भी और परिवहन मंत्री को भी, साथ ही साथ ये जो काला कानून लागू किया ये हर घर का तीसरा व्यक्ति की लड़ाई है, अकेली ट्रक ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, टेम्पो ड्राइवर की लड़ाई नहीं है, हर घर का तीसरा व्यक्ति की लड़ाई है। इसके लिए काफ़ी समय से हम आवाज़ उठा रहे हैं और हमारा प्रोटेस्ट बिल्कुल चलता रहा, धरना बिल्कुल जारी है और इसके अंदर हमारे को बिल्कुल बिल्कुल दिल से सभी का समर्थन मिल रहा है और बहुत ही अच्छा हमारा शांतिपूर्ण हमारा धरना चला हुआ है। और आने वाली 5 फरवरी को एक बहुत बढ़िया हम यहाँ से डीसी साहब को ज्ञापन देने का काम करेंगे और एक हमारा बहुत बड़ी आने वाला टाइम में जो ही टेंडर जो काला कानून सरकार, क्योंकि ये समझ नहीं रही अब तक, ये नहीं समझ रहे कि भाई ड्राइवर का कोई वजूद नहीं। खाली 3 दिन के अंदर 1 जनवरी 2 जनवरी और 3 जनवरी 3 जनवरी को तो सिस्टम ही नहीं मतलब होने दिया, उससे पहले झूठी अफवाह फैला के और ये मतलब हमारा ड्राइवर भाइयों का जो भी सिस्टम था वो पाड़ने का काम किया। नरेंद्र जी भी आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि ताज़ा सीकाठ गांव की आप घटना बता रहे हो, थोड़ा बताओ उस घटना। बिल्कुल जी, मैं ये बता रहा हूँ, मैं आज सफीदों के अंदर गए थे और वहाँ के जो प्रधान जी उन्होंने भी बताया कि कार बाइक की टक्कर हो जाती है। की घटना ये घटना वैसे अभी ताज़ा ही है, 10-15 दिन पहले की है। तो उसमें बता रहा है कि कार बाइक की टक्कर होने के बाद कार वाला ने इंसानियत दिखाई, वो उठा के उसको बोले भाई मेडिकल लेके गया, दवाई दवाई, और उसको उसके घर पे छोड़ने के लिए चला गया। अगर भाई कोई बात नहीं, तेरे से टक्कर होगी, तू बच गया, परमात्मा अल्लाह भाई गुरु गोड तेरे को भाई जिंदगी बख्शे। रोक घर पे छोड़ने के लिए गया तो घर वालों ने उसी को अंदर रोक के मार दिया, जान से मार दिया। एक ही लड़का का था कारण। हाँ बिल्कुल, सफीदों की मैं नरेंद्र खरब, प्रधान टैक्सी यूनियन जींद। ये घटना मेरे हल्के की, मेरा गांव पाजू खुर्द है। ठीक है, वो हमारे बड़ा गांव है नारा, नारा गांव का लड़का था, उसका फादर भी साथ था और वो खेड़ा खेमावती का लड़का था, एक जिमरो का, और वो उसकी टक्कर से वो घायल हो गया। घायल हो गया तो वो किसकी थी? थोड़ा बहुत गलती तो बाइक वाले की थी, बाइक वाले ने गाड़ी में मारी। हाँ, और वो उसको वहाँ लेके गया है, हॉस्पिटल लेकर उसके ट्रीटमेंट कराया गया, दवाई दुआ गया और वो उसका गांव में छोड़ने आ गया, खेड़ा खेमावती गांव सफीदों के पास। ठीक है, तो उन्होंने वो बुढ़ा तो गया बच्चे, वो लड़का नीचे उतारा गाड़ी से, घर ले जाकर लड़का मार दिया, जान से मार दिया। क्यों नहीं पूछा भाई, मतलब कसूर? नहीं, कोई कसूर नहीं पूछा उसका। उनका खुद का आदमी जिंदा था, आदमी जिंदा था, बिल्कुल ठीक था, दवाई दुआ कर वो वहाँ लेकर आया है। ये सच्ची घटना टीवी पे भी आई थी, अखबार में भी आई थी, ये खेड़ा खेमावती गांव की घटना है। मतलब कोई पुरानी रंजिश थी या सिर्फ इससे कारण? कोई पुरानी रंजिश नहीं, बिल्कुल भी ना, उनकी कोई जान पहचान थी, ये मेरे हल्के की बात वारदात है जी। तो मतलब फिर के मानो आप, सरकार तो कहने लग रही है भाई घायल ना उठाओ, उपचार कराओ,
उसने उपचार करवाया, इंसान ने दिखाई तो दवा तो देखो ना उसका रिजल्ट भी क्या निकलिया। इसी बारे में हमारी लड़ाई है कि हम उसकी दवाई दुआ और उसको घर तक छोड़ गा और वो मार दिया तो फिर हमारे लिए क्या कानून है? जब हमारे ऊपर ये आ गई बात है, दवाई भी दुआ दी छोड़ भी आए तो वो अकेला था अपने बाप बाप के, उसका फादर जान बचा के निकलेगा बेचारा। अच्छा जी, ये बात है जी। और ये ही मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, ड्राइवर को क्या कवच है? अगर हम किसी को हिट एंड रन हो जाता है, मतलब हिट का मतलब मारना, रन मतलब भागना, अगर जो हम मतलब मार के भागते हैं तो वो सरकार देखे ना क्या कारण है इसके अंदर, कारण भी तो देखे। कहीं ना कहीं सरकार इसको अपनी पब्लिक को अपने रोडों को सुधार करने का काम करे ना। नरेंद्र जी एक चीज़ और सवाल उठा है, सबसे बड़ा व्हीकल आ लिया ट्रक, इससे बड़ा कोई व्हीकल नहीं रोड पर चलने वाला, गाड़ी मोटरसाइकिल स्कूटर सारी चीज़ छोटी हैं, फिर यह चीज़ भी तो आवा है। देखो 100% मन है ट्रक वाले भी भाई गलती करते हैं, रो भी जावे, पर जब छोटा साधन वाला मान लो कि मेरा खड़े है, मैं चलता, मैं कोई घूंट मार गया किसी तरीके से, कार या बाइक वाला ने बड़े साधन में मार दी और गलती फिर भी ट्रक वाले की। बिल्कुल ये चीज़ देखने की है, जब बड़ी गाड़ी ले रहे यार छोटी गाड़ी वाला गलती, हालांकि छोटी गाड़ी वाले की 99% छोटी गाड़ी वाला ही गलती रहती है, 99% उनकी गलती होती है, और फिर भी बड़ी गाड़ी के ऊपर थोप दिया जा है। और बड़ी गाड़ी वाला जो लाइन पे चलते हैं, चाहे वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल ले जाने का काम करते हो, गलती बहुत ही कम करेगा। आज का ड्राइवर बहुत ही समझदार है, क्योंकि तकनीकी के साथ साथ ड्राइवर भी बदल गए। अब वो ड्राइवर भी नहीं रहे जो मतलब भाई ज़्यादा नशे पते करना या मतलब किसी भी प्रकार से लगा लो, आज वो ड्राइवर नहीं रहे। आज मतलब बहुत ही सूझबूझ के ड्राइवर हैं, क्योंकि गाड़ियाँ इस प्रकार की आ गई कहीं तो, जो कि अनपढ़ ड्राइवर तो उसको स्टार्ट भी नहीं कर सकता। काफ़ी गाड़ियाँ ऐसी है, चाहे टैक्सी में लगा लो और चाहे ट्रकों में लगा लो, काफ़ी ट्रक ऐसे आ चुके हैं जिनको स्टार्ट करना भी बहुत मुश्किल है। कानून इसमें अपना लागे थोड़ा बहुत कुछ ऐसा सुधार कराया जाए इसका, जिस तरीके से तो उसने वो घायल उठाया, उसने इंसानियत दिखाई दी और नतीजा उसने अपनी जान देगा भुगतना पड़े, इसमें कुछ सुधार भी उसके जी। मैंने तो ऐसा लागे ये जो सरकार है, ये घर की भाई काका लिखने वाला काम हो रहा है, ये अगर जैसा समझती है तो कहीं ना कहीं ड्राइवर का या मतलब इस देश का भविष्य सुनिश्चित हो सका है। अरे दोषी को सजा हो, निर्दोष क्यों मारा जा रहा है? दोषी को तो सजा हो, उस भाई ने क्या गलती की थी जो हमारे नरेंद्र खरब जी ने बताया ये इनके। मैं तो आज प्रोटेस्ट पे था, वहाँ की जितनी यूनियन है सभी मतलब 5 तारीख को आने का काम कर रही हैं, और यहाँ से एक बहुत अच्छा ड्राइवर हित के लिए निकलने का काम कर रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं सरकार को चेताने का काम कर रही हैं। ये ना हो कि भाई सरकार कल को ये ना समझे कि भाई हमारे को कुछ पता ही नहीं था, ड्राइवर एकदम से ही मतलब ये कर दिया। और मैं एक चीज़ और कहना चाह रहा हूँ, हमने कोई बहुत बड़ा आंदोलन बहुत बड़ी वो करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे को खाली चाबी छोड़ अभियान की, स्टेयरिंग छोड़ अभियान की ज़रूरत है। आज जिस दिन मेरा सारथी भाई अभियान छोड़ने का प्रयास कर दिया ना एक दिन के लिए, उसी दिन पता चल जाएगा ड्राइवर की अहमियत क्या है। काफ़ी समय से आवाज़ उठाता रहे हूँ, सोनू जी आप हर हमारी कवर कर रहे हैं, लेकिन एक ड्राइवर दिवस और एक ड्राइवर आयोग की लड़ाई काफ़ी समय से, हम तो चले थे भलिया नमाज पढ़ने रोजेगढ़ में, गले गए सोची तो कुछ और थी, कहीं ना कहीं सरकार ड्राइवर समाज के लिए अच्छा करेगी, ऊपर से हिट एंड रन ये कानून इसके अंदर है ना, मैं इन कानूनों का क्लियर समर्थन करता था। अगर कहीं ना कहीं इसको कवच देने का काम करता, ये अकेली जींद की लड़ाई नहीं है, अकेली हरियाणा की लड़ाई नहीं है, पूरे भारत की लड़ाई है। कानून सही है लेकिन ड्राइवर का कवच नहीं है, ड्राइवर का कवच नहीं है। हम भी समझते हैं, देखो कोई कल को मेरे को खड़े आगे मार के भाग जाता, आज हो जाता है सिस्टम में, अगर भाई रंजिश है उसको मर्डर करके और हादसे का रूप दे देते हैं, मर्डर करके एक्सीडेंट का रूप दे देते हैं, तो उसके खिलाफ देखो ना उसका बैकग्राउंड जाओ, ये तो मतलब आम ड्राइवर के ऊपर हो गया। आम ड्राइवर अगर जो ऐसे हिट एंड रन करेगा तो फिर देश चलेगा? कहीं ना कहीं सरकार सोचने का विषय है, ड्राइवर आज गरीब तबका है और ड्राइवर के लिए कुछ अच्छे, उसके बच्चों का भविष्य सुनिश्चित कराने के लिए कुछ अच्छा करने की सोचे तो ये वो, क्योंकि हर घर का तीसरा व्यक्ति ड्राइवर है, घर में माँ बाप अगर तीसरा लड़का है ना तो पक्का ड्राइवर मिलेगा, चाहे वो बाइक का मिलो चाहे कार का मिलो। तो 5 ने एक बड़ी महापंचायत, 5 तारीख की एक बड़ी महापंचायत बुलाने का खटखट टोल पे हमने एक निर्णय लिया है, और बहुत अच्छा प्रोटेस्ट करके, क्योंकि मैं फिर एक बार कहना चाहूँगा हमारे को कोई ज़रूरत नहीं है रोड जाम करने की, हमारे को कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे चाबी के अंदर इतनी पावर है, चाबी छोड़ दो बस काम हो गया। तो चाबी छोड़ आंदोलन की शुरुआत हो सके? बिल्कुल होगी सर, बिल्कुल होगी, क्योंकि लोगों के अंदर फिर से इस चीज़ का पता चलने लग गया। और ये कानून कितने दिन के लिए दबाया गया, क्यों दबाया गया, किस लिए दबाया गया, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये कानून जब तक इलेक्शन नहीं होते, जब तक
ये दबाया गया है। इलेक्शन जैसे हो जाएंगे तुरंत इस कानून को मतलब मार्केट में लेके आने का काम करेंगे। महावीर जी क्या कहना चाहोगे 5 तारीख के बारे में? 5 तारीख को बहुत बड़ा ऐलान होगा जी। मैं ये कहना चाहता हूँ अगर एक कानून जारी है पहले तो जनता को जागरूक करो, फिर पुलिस को ईमानदार करो। सबसे पहला जनता जागरूक और पुलिस ईमानदार। ये काम नहीं होगे जब तक इस कानून का कोई वो नहीं है। अगर किसी पर गलती से एक्सीडेंट हो गया और वो थाना में केस चले गया तो पुलिस जाते ही या कहेगी या तो 10 साल के लिए अंदर या 7 लाख रुपये जुर्माना, उसमें भ्रष्टाचार फैलेगा। और इस सरकार को मैं ये कहना चाहता हूँ, यह पलटू सरकार है। अब ताज़ा उदाहरण बता दी, जो कल परसों का है जो अपने बिहार का, बिल्कुल दरवाजे बंद कर दिए थे नीतीश कुमार के लिए और वह कल फिर खोल दिए, वो उस तय मिल गया। अरे बेईमान आदमी कम तनो तो देख ले, तू अपनी बात पर तो कायम रह ले, के कहो है तू किस बात पर वो है, अपनी बात पर तो कायम रह ले। अमित शाह ने कहा था, अमित शाह ने बिल्कुल बोले हमारे सारे दरवाजे नीतीश कुमार के लिए बंद है। वो कल क्या था खोल दिया भाई, ऐसा क्यों गया नीतीश कुमार में, उसने उसका समर्थन कर दिया। जो कोई इसके खिलाफ बोलता है उसी को अंदर करते हैं। 5 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सरताज जी जो अंदर गए हैं उस पर झूठे मुकदमे लगाए हैं। सरताज जी को मैं कहना चाहता हूँ तेरा बलिदान वर्थ नहीं जाने देंगे, चाहे हमने कितनी जेल भरनी पड़ी हो, जेल भर आंदोलन करना पड़े तो वो भी करांगे, तो हम डट का मुकाबला करेंगे इस सरकार का। तो बात हुई थी, इस सरकार ने बात करी थी 15 लाख रुपये देने की, बात करी थी किसान जमींदार की आय दुगुनी करने की, बात करी थी इसने ड्राइवर रक्षा करने की, इसने उल्टे काम करे हैं। कुछ उल्टा करे तो को नहीं कड़े 15 लाख रुपये। महावीर जी आपका भी धन्यवाद। देखो आपने पता भाई किसान आंदोलन चलिया है बिल्कुल 12 महीने वो आंदोलन चलिया 379 दिन, जिसकी सारी दास्तान आपने सुनी आपने देखी और इतिहास के अंदर एक नुकाकर एक बड़ा पन्ना लिखा गया। 750 लोग मारे गए उस आंदोलन में, कितना बड़ा आंदोलन था। लेकिन वह चीज़ हो जाए मजबूरी हो जाए भाई, जब लोगों की सुनाई नहीं होती तो अपनी आवाज़ उठाने खातर अपनी आवाज़ सरकार तक पहुँचाने खातर धरने धरने पड़े हैं। बाकी 5 तारीख का एक बड़ी महापंचायत का ऐलान खटखट टोल पर हो गया है और बाकी आने वाला वक्त बताओगा भाई सरकार जागे या नहीं जागती। जिस तरीके से नरेंद्र जी ने बताया या जो घटना हुई भाई, उसने तो अपनी इंसानियत दिखाई दी, लेकिन उसकी इंसानियत का रिजल्ट मिला, उसकी जान चली गई, अपना बाप का एक था। तो अब आप सोचो कि आदमी किस ओर जाओगा, बचाने का नहीं जाओगा, भाजन का नहीं जाओगा, तो मजबूरी में भाजना पड़ेगा। बाकी आपका के कुछ मानना, आपके सोच विचार, आपकी जो प्रतिक्रिया वो जरूर आपने देनी है। और भाई ये वीडियो आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। जय जवान जय किसान।